नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आखिरकार जो युवा और जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा जो 17 और 18 फरवरी को भर्ती परीक्षा हुई है उसकी लीक होने के बाद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए भर्ती बोर्ड की तरफ से एक खुशखबरी आई है। हालांकि बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है, लेकिन आखिरकार हम समझ सकते हैं कि थोड़ी सी हमारी जीत हुई है। तो क्या कुछ खबरी आई है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सभी से अनुरोध है कि बहुत ही जरूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, लगातार 17 और 18 फरवरी की चार शिफ्ट में जो परीक्षा हुई है, और सभी के बाद से ही खासकर जो 18 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम लीक हुआ है बड़े स्तर पर, उसका विरोध काफी अभ्यर्थी काफी संख्या में अपनी अपनी जगह यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, जिसके लिए लगातार वो ज्ञापन भी सौंप रहे हैं और जिलाधिकारी उपजिलाधिकारी जो रजिस्टर्ड ऑफिसर हैं उनको भी ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक, उनको भी अभ्यर्थी संयुक्त रूप से शांति प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंप रहे हैं और बहुत ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 3-4 दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन का माहौल अभ्यर्थियों के बीच बना हुआ है। अभ्यर्थी काफी नाखुश हैं, क्योंकि अभ्यर्थियों ने लगभग जो जिस समय उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से जैसे ही 60,244 सिपाही पदों पर वैकेंसी जारी की गई थी, उसी समय से अभ्यर्थी काफी जी जान से मेहनत कर रहे थे और सभी को भरोसा था कि इस बार जो उनका उत्तर प्रदेश में पुलिस बनने का सपना है वो पूरा हो जाएगा, और सरकार पर भी भरोसा था कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, और जिसके लिए सरकार ने भी काफी अच्छे से प्रयास किए थे। लेकिन आखिरकार सरकार के सारे प्रयास उन अराजक तत्वों ने विफल कर दिए जो पेपर लीक के लिए जाने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कल यानी कि 22 फरवरी को यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है, और जिसमें उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए दी है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं कि भर्ती बोर्ड ने भी ये मान लिया है कि आखिरकार पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ये नहीं मानता तो इस महत्वपूर्ण सूचना को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नहीं करता। अब इसके बाद भर्ती बोर्ड ये जानना चाहता है कि कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और वो क्या एविडेंस हैं, जिस एविडेंस को मुख्य आधार मानकर पेपर को या तो कैंसिल किया जाए, या फिर जहां लग रहा है कि 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का ही बहुत ज़्यादा लीक हुआ है, या 17 फरवरी को जो सेकंड शिफ्ट हुई है उसका ज्यादा पेपर लीक हुआ है, या चारों ही शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है, वो इस बात को कंफर्म करना चाह रहा है कि आखिरकार अगर हम री एग्जाम कराते हैं तो क्या सभी शिफ्टों का हमें री एग्जाम कराना चाहिए, या बहुत ज्यादा संख्या में जिस शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है सिर्फ उसी शिफ्ट का पेपर कराना चाहिए। तो इसके लिए वो मेन प्रूफ मांग रहा है। तो जो नोटिस के माध्यम से भर्ती बोर्ड अभ्यर्थियों से क्या मांगना चाह रहा है और क्या महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो मैं आपको उस महत्वपूर्ण सूचना को जो भर्ती बोर्ड की तरफ से नोटिस के माध्यम से जारी की गई है उसको एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, और आपको भी वह नोटिस आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप भी अपनी स्क्रीन पर जो भर्ती बोर्ड के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है आप देख रहे होंगे, और साथ ही मैं इसको आपको फटाफट से पढ़ के सुनाता हूं। तो उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जिसका एड्रेस लिखा हुआ है 19C तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स, विधानसभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो एक जो सूचना जो विज्ञप्ति जारी की गई है वो आप देख रहे होंगे, दिनांक 22 फरवरी 2024 को ये जारी की गई है, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 महत्वपूर्ण सूचना। अच्छा, क्या है वो सूचना, आइए जानते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 17 और 18 फरवरी को आयोजित लिखित परीक्षा के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं प्रिंट मीडिया में कुछ प्रश्न पत्रों के संबंध में सूचनाएं वायरल होने की खबर प्रकाशित हो रही है, तथा इस क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न जनपदों में
प्रत्यावेदन प्रस्तुत किए जा रहे हैं। सर्वसाधारण एवं अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि इस विषय में यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना है तो सुसंगत प्रमाणों एवं साक्ष्यों के साथ अपना प्रत्यावेदन, जिसमें आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर एवं आधार कार्ड आधार नंबर अंकित हो, जिसे आपको ईमेल आईडी के माध्यम से भर्ती बोर्ड के लिए भेजना है। तो ईमेल आईडी जो दी गई है वो है board@upvpv.gov.in पर दिनांक 23/2/2024, यानी कि आज ही समय दिया गया है, शाम के 6 बजे तक प्रत्येक दशा में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, ताकि प्रेषित प्रत्यावेदन एवं प्रमाणों साक्ष्यों का अवलोकन परीक्षण करने के उपरांत निर्णय लेते हुए अभ्यर्थियों के हित में अग्रतर कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, आपने भी ये पढ़ लिया होगा, तो अब भर्ती बोर्ड हमसे ये कहना चाह रहा है, ये सूचना भर्ती बोर्ड ने दी है कि जो भी आपके पास साक्ष्य प्रूफ हैं, आप आज ही यानी कि 23 फरवरी को शाम 6 बजे भर्ती बोर्ड के द्वारा जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर आप भर्ती बोर्ड को मेल करें, और जिसमें आपकी कुछ डिटेल मांगी है तो आप डिटेल भी अपनी फिल कर दें। अब भर्ती बोर्ड ये आकलन करना चाह रहा है कि कितने बड़े स्तर पर पेपर लीक हुआ है और उसके रियल साक्ष्य क्या है, रियल प्रूफ क्या है, उन सबको देखते हुए ही भर्ती बोर्ड आगे निर्णय लेगा। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए, हम कह सकते हैं कि एक भर्ती बोर्ड ने सुझाव दिया है, बहुत अच्छी भर्ती बोर्ड की ये पहल है। तो हमको भी भर्ती बोर्ड के निर्देशों का पालन करना है और सारे साक्ष्य, जितने भी अभ्यर्थी मानते हैं कि पेपर लीक हुआ है उनके पास जो भी साक्ष्य हैं वो फटाफट से बिना देरी किए हुए भर्ती बोर्ड के द्वारा जो ईमेल आईडी दी गई है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी उन प्रूफ को भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर मेल करें, भर्ती बोर्ड की जो ईमेल आईडी है उस पर मेल करें, जिससे कि भर्ती बोर्ड पढ़े और आगे निर्णय लेने में सक्षम हो सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना है, जितने भी अभ्यर्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सभी की यह कोशिश होनी चाहिए कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जितनी ज़्यादा संख्या में आप भेजेंगे उतना ही प्रेशर भर्ती बोर्ड पर पड़ेगा और भर्ती बोर्ड बहुत जल्द ही निर्णय लेगा। क्योंकि हालांकि प्रेशर तो भर्ती बोर्ड पर है और सरकार पर भी है, क्योंकि आगामी समय में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, तो सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि युवा सरकार की कार्यशैली से या सरकार से नाखुश हों और जिसका खामियाजा सरकार को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़े, सरकार नहीं चाहेगी इस चीज़ को। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, शांत प्रिय ढंग से कोई भी विरोध नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जिस अभ्यर्थी के पास जो भी प्रूफ है सभी को ईमेल आईडी पर आज शाम 6 बजे तक भेज दीजिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।